अरे बहुत इंतजार कर लिया हम अपना पैसा का, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब हमको कैसे भी करके काला कदलो के घर पे जाके पैसा लेना होगा उसका बाप का तिजोरी से। काहे कि इससे पहले कि वो काला कल उठा सारा पैसा छुपा दे, उससे पहले हमको सारा पैसा लूट लेना होगा, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होने वाला है, इतना हमको समझ में आ चुका है। अभी जाते हैं चोर वाला ड्रेस पहन के उसका घर में चोरी करने, जितना पैसा और सोना जेवरात सब रखा होगा सब चुरा लेंगे। उस कद्दू का छोटा बेटा गोरा कद्दू अपने आप को कट्टे वाला गुंडा समझता है ना, हमारा घर में डकैती किया था ना, अब टकला नेता भी उसका घर में डकैती करेगा। अभी जाते हैं और डंडा लेके जाएंगे, अगर वो काला कलूठा देखा घर पे तो उसको मार के भी आएंगे। अब टकला नेता तुमको कोई नहीं पहचानेगा, अब जाते हैं उसका घर में डकैती करने, सारा पैसा भी चुरा लेंगे और इंस्पेक्टर दारा को बोलेंगे कि मेरा पैसा दिला दो जो गोरा कद्दू लेके गया, ईमानदारी का नाटक करेंगे, हमारा तो पैसा डबल हो जाएगा। अभी जाते हैं छत पे और छत से जाते हैं उस लोग का छत पे और घर में घुसते हैं, दिन दहाड़े डकैती करेंगे उस लोग का घर में हम भी। अरे तुम लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अरे हम लोग के बारे में छोड़ो, तुम कौन है, तुम यहाँ क्या कर रहा है? चोर लगता है ये साला, चोरी करने आया इस लोग का घर पे। अरे साले हमको चोर बोलता है, अपने चोर है तुम लोग, कहाँ आया काला कद्दू का घर पे और ये पैसा सब तुमको कहाँ से मिला, किसका पैसा? अरे चुप साला, मास्क हटा, देखे कौन है, कौन है तुम? अरे चुप करके रहो, मेरे हाथ में डंडा है, चुपचाप से हमको सारा पैसा दे दो नहीं तो आज तुम लोग हम मारेंगे। अरे देखो इस पगले को, अपना डंडा से हमको धमका रहा है। अरे बॉस ये तो हम लोग को देख लिया, अब तो सबको पता चल जाएगा कि हम ही लोग काला कद्दू और गोरा कद्दू के घर में चोरी की है। अरे गधा किसी को नहीं पता चलेगा, ये चोर काला कद्दू लोग का घर पे आ गया, ये तो हम लोग के लिए और भी फायदे वाली बात है। एक काम करो, इस चोर को मार मार के बेहोश कर दो और सारा पैसा लेके हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब पुलिस वाला आएगा इस चोर को यहाँ पे जब पाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये चोर यहाँ चोरी करने आया था और इसका कोई साथी होगा जो इसको भी बेहोश करके सारा पैसा लेके भाग गया, फिर ये चोर जाने और पुलिस वाले लोग जाने, हम लोग को क्या है, हम लोग को तो पैसा मिल गया ना, चलो मारो इसको। अरे खबरदार जो मेरे सामने कोई भी आया तो डंडा से मारेंगे। अरे कुछ नहीं करेगा ये चोर, मारो, तुम लोग दो है ये अकेला है, मारो। अरे छोड़ता कि नहीं छोड़ता, अरे हट हट, अरे और मारो, डंडा छीनो पहले इसका। अरे हमको डंडा से काय मारा, छोड़ो छोड़ो हमको छोड़ो। चलो रे चलते हैं यहाँ से, इसको यहीं रहने दो। अरे काम करो, एक नोट का गड्ढी इसका हाथ में पकड़ा दो और यहीं रहने दो इसको तिजोरी के सामने, कोई भी देखेगा इसको यहाँ तिजोरी के सामने अपने समझ जाएगा कि ये चोर था, घर खाली देख के चोरी करने आया था। अरे काला कद्दू फिर से तुम मेरे पास क्यों आया, हम तुमको तो सजा नहीं दिए ये सोच के तो तुम नहीं आया मेरे पास कि तुम माफी मांगेगा और हम तुम्हारा पापा को छोड़ देंगे, ऐसा मत सोचना, तुम कितना भी माफी मांगोगे लेकिन हम तुम्हारा पापा को नहीं छोड़ेंगे, उसको अब जेल में ही रहना होगा क्योंकि तुम्हारा पापा झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाला आदमी हमको नहीं पसंद आता है, तुम सच बोल रहे थे इसीलिए हम तुमको छोड़े है, बताओ क्यों आए हो मेरे पास, यही कारण तो नहीं है? अरे नहीं नहीं जैसा, ये कारण नहीं है, हम आपके पास दूसरे कारण से आए हैं। अच्छा कौन से दूसरे कारण से आए हो, क्या काम है तुमको हमसे? अरे जैसा मेरे घर पर गुंडा लोग कब्जा कर लिया है, कद्दूपुर में गुंडा राज चल रहा है, कद्दूपुर का सरकार का कोई कानून नहीं चल रहा है, जो चाहे जिसके साथ जैसा भी कर रहा है करने दिया जा रहा है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, आप कुछ कीजिए। अरे क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा घर में कोई भी कैसे घुस सकता है, तुम जाओ थाना जाओ, इंस्पेक्टर साहब को कंप्लेन करो, FIR लिखवाओ, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा मदद करेगा, जांच करेगा। अरे जब सब गए थे इंस्पेक्टर दारा से मिले भी थे, वो हमको भगा दिए, बोले तुम्हारा बाप क्रिमिनल है तुम्हारा भाई क्रिमिनल है इसलिए तुम भी क्रिमिनल है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो अंदर डालकर इतना मारेंगे ना कि तुमको तुम्हारा नानी याद आ जाएगा, और बोला तुम्हारे ऊपर झूठा केस बना देंगे, इंस्पेक्टर दारा कुछ नहीं करेगा, आप ही को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो विश्वास ही नहीं है कि मेरे घर पर कोई घुसा भी है, उसको बस यही लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं कहानी बना रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि जज साहब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो फिर हमको भी हथियार उठाना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, फिर आप ही लोग बोलिएगा कि अपना भाई की तरह तुम भी गुंडा बन गया क्रिमिनल बन गया, और एक चेतावनी भी दे रहे हैं जज साहब, कोड़ा कद्दू तो खाली हथियार उठाया था, हम काला कद्दू हैं हथियार चला भी सकते हैं और इतना चलाएंगे ना कि गोली नहीं गिन पाएगा आप लोग। अरे चुबरा तुम चुबरा, ज्यादा बोलता है, गोली चलाएगा और हम गिन नहीं पाएंगे, हथियार उठाएगा तो अंदर डाल देंगे, समझा, ज्यादा बोलता है। ये बात सही है तुम्हारा, इंस्पेक्टर दारा तुम्हारा मदद नहीं किया, तुमको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गुंडा बनेगा।
तुम शांति से बैठो, इंस्पेक्टर दारा को हम बुलाते हैं, उसके बाद उसका क्लास लेते हैं। काहे नहीं तुम्हारा मदद कर रहा, बहुत ईमानदार बनता है ना वो, देखे कितना ईमानदार है, हमसे ज्यादा ईमानदार हो गया क्या वो। क्या हुआ जज साहब, आप अचानक बुला लिए, कोई बड़ी बात है क्या? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? कहीं यही तो आपके साथ कुछ नहीं किया है? बताइए हमको, अगर ये कुछ किया है तो उठाकर अभी ले जाएंगे थाना में डालकर, इतना लाठी मारेंगे ना ठीक हो जाएगा ये। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं किया, पहले बात सुनो, अपने मन से बकवास मत करो समझे। ये जो लड़का है ये तुम्हारे पास आया था ना, कंप्लेन किया था कि उसका घर में कोई गुंडा लोग घुस गया, तुम काहे नहीं इसका मदद किया। अरे जसब कहाँ आप इस क्रिमिनल लोग का बात में आ जाते हैं, ये और इसका पूरा परिवार क्रिमिनल है, कभी भी कुछ भी आपके साथ भी कर सकता है, इस लोग से दूर रहा कीजिए। ए लड़का चलो निकलो यहाँ से, हम भगा दिए तो तुम जसब के यहाँ गया, कभी मत आना यहाँ पर, नहीं तो ठोक देंगे तुमको वहीं पर। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप, हाँ क्या बकवास कर रहे हैं, ठोक देंगे, चुपचाप से खड़े रहिए। आप पुलिस है गुंडा थोड़ी ना, आप क्या चाहते हैं कद्दूपुर में एक और गुंडा पैदा हो जाए, ये भी हथियार उठा ले, आपको इसका मदद करना चाहिए, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपके बारे में तो हम इतना सुने कि आप बहुत ईमानदार है, आज आपका ईमानदारी कहाँ चला गया? ईमानदार का तो पता नहीं लेकिन आप हमको बेवकूफ लग रहे हैं, क्राइम बढ़ाने में आप क्रिमिनल लोग का मदद कर रहे हैं। सुनिए जज साहब, अगर हम बेवकूफ होते ना तो इसका कहानी को सच मान लेते, काहे कि हम अक्लमंद है इसीलिए हम समझ गए कि ये कहानी बना रहा है। अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब है हम बेवकूफ है, कद्दूपुर का जज बेवकूफ है यही ना? हाँ नहीं नहीं जज साहब, हम आपको बेवकूफ काहे बोलेंगे, आप तो बहुत अक्लमंद है। अरे नहीं नहीं बेटा हमको मत समझाओ, हम सब समझ रहे हैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम हमको बेवकूफ कहना चाह रहे हो, हम अपना बाल ऐसे थोड़ी ना सफेद किए धूप में खड़ा होके, तुम्हारा तो सिर्फ अभी कलम सफेद हुआ है, हमारा तो पूरा बाल सफेद है, अब तो ये हमारे ऊपर बात आ गया कि हम सही और गलत में पहचान नहीं कर सकते हैं, तुम उंगली उठाओ मेरे ऊपर, अब तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे इसका घर पे, देखेंगे कि कोई सही में कब्जा किया है कि नहीं, और अगर कोई कब्जा किया होगा तब तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, बोल रहे नहीं कहानी सुना रहा है, चलो। चलिए जज साहब आपका भी शौक पूरा कर ही देते हैं, चलिए देख लीजिए अपने आँख से, तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी बना रहा है कि नहीं। लेकिन वहाँ चलने से पहले मेरा यकीन मानिए कि वहाँ आपको कोई मिलेगा नहीं, और वहाँ जाने के बाद जब आप इससे पूछिएगा तो इसका एक और नया कहानी तैयार होगा, फिर आप उसमें फंस जाइएगा, इसीलिए पहले ही आपको आगाह कर दे रहे हैं हम। अरे चलो ना वो देख लेंगे हम, चलो। अरे यार लड़का तुम तो कह रहा था कि तुम्हारा घर में कोई घुस गया है, लेकिन तुम्हारा घर का दरवाजा तो खुला हुआ था और यहाँ तो कोई नहीं है, झूठ बोल रहा था तुम, हाँ हमको झूठा साबित कर दिया, इंस्पेक्टर के सामने मेरा बेइज्जती करवा दिया तुम, तुम्हारे ऊपर हम भरोसा किए थे। अरे नहीं नहीं जज साहब, सही में हमारा घर में कोई कब्जा किया था, लगता है इंस्पेक्टर साहब आपके पास आने से पहले उसको भगा दिए। रे पागल इतना मार खाएगा ना अगर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया तो, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। देखे जज साहब कहे थे ना आपको कि यहाँ आकर एक नया कहानी बनाएगा, बनाया ना नया कहानी, अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमारा भी बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुआ है, मेरे पास भी बहुत अनुभव है, काहे कि हम फील्ड वर्क करते हैं ना, आप तो एक जगह कुर्सी पर बैठा रहते हैं ना, इसीलिए आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम है हमको लगता है। अरे ही लड़का पे हम भरोसा किए इसीलिए तुम हमको सुना रहे हो ना, नहीं तो हमसे ज्यादा अनुभव नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन अभी कमरा सब में कहाँ देखे है, अभी कमरा में भी चल के देखना है, कहीं कोई कमरा में छुप के बैठाओ, अगर कोई मिला ना तब तुमको हम बताएंगे, चलो। अरे ये कौन है, ये कौन सोया हुआ है काला कपड़ा पहन के? अरे जैसा हम लोग का घर में डकैती हो गया, ये तो चोर है, लगता है इसका साथी सब पैसा लेकर भाग गया और इसको यहाँ मार कर भाग गया है। क्या जी इंस्पेक्टर दारा, क्या कह रहा था तुम, तुमको बहुत अनुभव है, कौन है ये, कैसे डकैती हो गया तुमने रहते हुए कद्दूपुर में, क्या कह रहा था तुम, ये लड़का सही बोल रहा था, यानी कि सही में इसके घर में कुछ हुआ है? अरे जज साहब यही तो सोचने की बात है, ये हम लोग के पास कंप्लेन लेके आया कि कोई हमारे घर में कब्जा कर लिया है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कोई ऐसा नहीं दिखा जो घर पर कब्जा किया है, ये जब घर से निकला होगा तो हो सकता है ताला खुला छोड़ दिया हो, चोर लोग घर में घुस गया डकैती कर लिया, ये तो एक अलग केस हो गया, यहाँ पर बात ये है कि इसके घर में कोई कब्जा किया है या नहीं किया है, डकैती एक अलग अपराध हुआ, कब्जा एक अलग अपराध हुआ, इतना तो आपको पता ही है ना जज साहब, और आपको पता ही है कि खाली घर में तो चोर घुसेगा ही ना, इसका बाप जेल में है, भाई भाग गया है, और ये हम लोग के पास घूम रहा है अपना कहानी लेके, तो घर में तो डकैती होगा ना, इस पर हम देख लेंगे क्या कार्रवाई करना है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि इसके घर में कोई कब्जा नहीं हुआ है, ये कहानी बना रहा है, काहे कि अगर घर में कब्जा हुआ होता और वो लोग अगर क्रिमिनल होता तो चोर लोग उसके घर में घुसता, सोच कर देखिए। अरे नहीं जैसे हम सच बोल रहे हैं, घर में गुंडा लोग कब्जा किया था और हमको नहीं आने दे रहा था, हो सकता है वो लोग कहीं घूमने गया हो, चोर पीछे से घुस गया हो। अरे वो तो इस चोर को उठाने के बाद ही पता चलेगा,
कि आखिर मामला क्या है, कौन इसको मार के बेहोश किया है। चलिए इंस्पेक्टर दारा, उठा के इसको पलंग पे लेटाइए और इसका मास्क खोलिए, देखे तो आखिर ये चोर है कौन, कौन है जो कद्दूपुर में चोरी कर रहा है हमरे रहते हुए। हाँ वो तो हम भी देख रहे हैं, ये तो टकला नेता है, अब घर घर जाके भी चोरी करने लग गया। पहले तो जनता का खाली पैसा खाता था, देखने में कितना मासूम लग रहा है सोया हुआ है तो, जैसे छोटा बच्चा है चिकना, लेकिन इतना शैतान हो सकता है ये टकला, हम सोचे नहीं थे। अब तो इसको भी बांस करेंगे हम। क्या जी इंस्पेक्टर साहब, टकला नेता घर घर जाके चोरी कर रहा है और आप आँख में पट्टी बांध के रखे है, काहे नहीं कोई भी कार्रवाई की है। अरे जज साहब कार्रवाई तो अब होगा ना, काहे कि ये पकड़ाया तो अभी है ना, ये तो पता ही था कि ये चोर है, लेकिन इतना बड़ा चोर है ये नहीं पता था कि सबके घर जाकर खुद से चोरी करता है। चलिए अब ये भी पता चल गया तो अब इन पर कार्रवाई तो होगा, लेकिन मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है जज साहब। घर में कहां कोई कब्जा किया ये अभी पता लगाना बाकी है। अरे इंस्पेक्टर दारा, ये सब पता चल जाएगा, टकला नेता होश में आएगा, सब बताएगा, हो सकता है वो गुंडा लोग इसको मारा हो चोरी करते हुए देखकर, समझा। और तुम जो जज साहब को बार बार नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ना, मत दिखाओ, जज साहब तुमसे ज्यादा होशियार हैं, तभी वो जज है और तुम पुलिस वाला है। रे जज साहब के सामने ज्यादा होशियार बन रहा है, ऊंचा आवाज में बात कर रहा है, यही अगर अकेले में मिला होता ना तब बताते तुमको। अरे तुम बार बार इसको धमकी काहे देता है रे, तुम इसको नहीं जानता है, इसका भाई कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन है, वो तुमको फिर अकेले में मिलेगा तो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम सोचा है? जब वो ढिंगरा सेठ को मार दिया तो तुम क्या है? अब तो ये टकला जब उठेगा तब इसका हम क्लास लेंगे, देखो ना लालची कहीं का नोट का गड्डी कैसे पकड़ के रखा है, छोड़िए नहीं रहा, देख रहे ना दोस्तों ये टकला कैसे घर घर जाके चोरी कर रहा है, अब ये जब उठेगा तब इसका क्लास लेंगे। तब तक आप लोग काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये टकला यहाँ पे क्यों आया था और कौन इसको मार के बेहोश किया।